डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 6-7 प्रवाह गणित कार्यपत्रक संख्या 1 और 2। चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को ठीक पहले और ठीक बाद में आने वाली संख्या लिखिए, अर्थात इसमें जो संख्याएँ दी रखी है इसके पहले कौन सी संख्या आएगी और इसके बाद में कौन सी संख्या आएगी, वो हमें आंसर के रूप में लिखना है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे, जैसे पहला दे रखा है 117, इसके बाद 18 आती हैं और इसके बाद 119 आता है। तो 19 से पहले 118 आया है और 118 से पहले 117 आया है। इस प्रकार लिखते हैं, हिंदी में इनको ऐसे लिखते हैं 117, 118 और 119। तो कुछ प्रश्न संख्या 2 में जो रिक्त स्थान है वो 235 से पहले आता है 234 और 235 के बाद में आता है 236। तो इस प्रकार हम रिक्त स्थानों में 234 और 236 लिखेंगे। तो इन्हीं को हमें शब्दों में लिखना है। पहले लिख देंगे 234, फिर 235 तो दिया हुआ ही है, और फिर लिखेंगे 236। इस प्रकार हमें ये सॉल्व करना है। अगला है, 909 संख्या दे रखी है, इससे पहले आती है 908 और इसके बाद में आती है 910। तो इस प्रकार लिखेंगे शब्दों में 908, फिर 909 और फिर 910। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संख्या दे रखी है 5213, तो इससे पहले संख्या आती है 5212 और 13 के बाद आता है 14, तो यहाँ लिखेंगे 5214। तो शब्दों में इन्हें लिखेंगे 5212, फिर आया हुआ है 5213 और फिर आया हुआ है 5214। इस प्रकार हम लिखेंगे। अगला है, दी गई संख्या है 6810, तो इससे पहले की संख्या आएगी 6809 और 10 के बाद आता है 11, तो यहाँ लिखेंगे 6811। इन्हें हमें शब्दों में लिखना है, तो लिखेंगे 6809, फिर आएगा 6810 और फिर आएगा 6811। इस प्रकार हम लिखेंगे। अगला प्रश्न है, संख्या क्रम को पहचानिए एवं छूटी हुई संख्याएं लिखिए। इसे हमें क्रम को पढ़ता हुआ आगे बढ़ना है, मतलब क्रम के हिसाब से हमें छूटी हुई संख्याएं लिखनी है। तो पहली संख्या दे रखी है 915, इसके बाद आता है 916, फिर 17, तो यहाँ लिखेंगे 918, फिर 919, 920, 921 और 922। इस प्रकार हम लिखेंगे। अगला है 1395, तो इसके बाद आएगा 1396, फिर 1397, फिर 1398, फिर 1399, फिर 1400, फिर 1401 और 1402। इसी प्रकार आगे का क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ है 5600, तो इससे पहले की एक एक संख्या घटाएंगे तो शुरुआत होगी 5598, 5599, फिर आएगा 5600, फिर आएगा 5601, 5602, 5603 और आएगा 5604। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संख्या दे रखी है 808, तो इसके बाद आता है 809, फिर आएगा 810, फिर 811, फिर 812, 813, 814, 815 और 816। इस प्रकार हम लिखेंगे। अगला है 1538, तो इसकी अगली आएगी 1539, फिर आएगा 1540, फिर आएगा 1541, फिर आएगा 1542, फिर आएगा 1543 और फिर आएगा 1544। इस प्रकार हमें लिखना है। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सैकड़ा, दहाई और इकाई। सैकड़ा में 7, दहाई में 9 और इकाई में 8, तो यहाँ संख्या बन रही है 798। तो इसी प्रकार अगला है, संख्याएं दे रखी है 1000 में 9, सैकड़ा में 1, दहाई में 7 और इकाई में 2, तो संख्या बन रही है कौन सी, 9172। तो इन्हें हमें शब्दों में लिखना है। तो अगले हैं 6295, यहाँ लिखा जाएगा इसका अगला है, जहाँ पर शब्दों में दे रखा है इन्हें हमें अंकों में लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे, जैसे शब्दों में लिखा है 4430, तो इस प्रकार लिखेंगे 4430। अगला है, यहाँ पर देखिए दो बॉक्स खाली कर रखे हैं और यहाँ लिखा हुआ है 2300, तो हज़ार और सैकड़ा में 2 और 3 लिखेंगे, फिर हो जाएगा 2300 और यहाँ
दहाई और इकाई दे रखा है 15, तो यहाँ पर लिख देंगे 15। सही शब्द हो गया 2315। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है, 1008 को शब्दों में लिखा जाता है। 1008 को शब्दों में लिखेंगे इस प्रकार, स सही हुआ 1008, तो यहाँ पर बॉक्स में आएगा स। इस प्रकार कार्यपत्रक संख्या 1 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की तरफ, कार्यपत्रक संख्या 2। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे समय समय पर। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 2 की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वहाँ हमें इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान रूप में पूर्ति करना है। जैसे 865, तो इसमें सैकड़ा के स्थान पर है 8, दहाई के स्थान पर है 6 और इकाई के स्थान पर है 5। तो इसी प्रकार हमें आगे की लिखनी है। संख्या दे रखी है 3752, तो इसके अंदर हजार के स्थान पर है 3, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3000। सैकड़ा के स्थान पर है 7, तो यहाँ पर 7 सैकड़ा। दहाई के स्थान पर है 5, तो यहाँ पर 5 दहाई और यहाँ पर आ गया 2 इकाई। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है 8570, तो यहाँ पर लिखेंगे 8005 सैकड़ा, 7 दहाई और 0 इकाई। अगला है 2805, तो 2000 फिर 8 सैकड़ा, 0 दहाई और 5 इकाई लिखेंगे। अगला है 3002, तो यहाँ पर लिखेंगे 3000, 0 सैकड़ा, 0 दहाई और 2 इकाई। इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। अगला है दी गई संख्याओं को विस्तार में लिखिए, तो यहाँ पर संख्याएँ दे रखी हैं 5613, उसको इस प्रकार लिखना है 5006 सैकड़ा, 1 दहाई और 3 इकाई। तो इस प्रकार लिखेंगे। अगला है 2875, तो लिखेंगे 2008 सैकड़ा, 7 दहाई और 5 इकाई। 9305 को लिखेंगे 9003 सैकड़ा, 0 दहाई और 5 इकाई। अगला है 6872, तो लिखेंगे 6008 सैकड़ा, 7 दहाई और 2 इकाई। अगला है 5613, तो लिखेंगे 5006 सैकड़ा, 1 दहाई और 3 इकाई। इस प्रकार लिखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, दिए गए विस्तार रूप को संख्या के रूप में लिखे, तो यहाँ पर विस्तार रूप दिया गया है संख्याओं का, जैसे 2 दहाई, 3 इकाई, 5000 और 1 सैकड़ा। तो इनको हमें इनके स्थान पर रखेंगे, हजार के स्थान पर हजार को रखेंगे, सैकड़ा के स्थान पर सैकड़ा को रखेंगे, दहाई के स्थान पर दहाई और इकाई के स्थान पर इकाई को लिखेंगे। तो जो संख्या बनेगी उसे इस प्रकार लिखेंगे। तो प्रश्न है 6002 सैकड़ा, 1 दहाई और 3 इकाई, तो इनके स्थान पर लिखेंगे। तो 6 सैकड़ा में 2, इकाई में 1 और दहाई में 3, तो संख्या बनेगी 6213। इसी प्रकार अगला है 3005 सैकड़ा, 2 दहाई इकाई और 8 दहाई, तो संख्या बनेगी 3582। अगला है 5 दहाई 8000 और 9 सैकड़ा, तो संख्या बनेगी 8950। 3 सैकड़ा 2 इकाई 7 दहाई, तो संख्या बनेगी 372। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, विस्तार रूप 8 सैकड़ा 9000 3 इकाई का संख्या रूप है, तो इस प्रकार लिखेंगे। द आंसर सही होगा 9803, तो बॉक्स में लिखेंगे द सही। अगला है संख्या 6502 का विस्तार रूप है, तो यहाँ पर विस्तार रूप में लिखने पर 2 इकाई 5 सैकड़ा और 6000 वाला कॉलम सही बैठता है, तो आंसर होगा अ। इसी के साथ कार्यपत्रक संख्या 1 और 2 कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बने रहें हमारे चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।